वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी शाम का टाइम और मैं आपको दिखाने वाली थी स्पेशल रेसिपी, लेकिन स्पेशल रेसिपी का फर्स्ट पार्ट मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं और रूही चले गए थे नीचे कुछ लाने के लिए। क्या लाने के लिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है वो टेस्टी चीज। तो वही फर्स्ट हाफ मिस हो गया, लेने चले गए थे ये चाट। नीचे चाट के भैया आए थे तो वही सबके लिए चाट लाया, ये मेरे वाला, बाकी हम खाएंगे अभी। और सबसे पहले हमने दूध लिया थोड़ा सा और उसमें इसमें चीनी डाल दिया है। अब बारी है इसके अंदर के फिलिंग, मतलब पूर को हम बना रहे हैं आज पिठा, पुली पिठा। और ये बंगाली का बहुत, बंगालियों में बहुत फेमस है ये मेवा, प्योर खोया है ये। तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर रहे हैं और ये हमारा खोया अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। ये हमने कटोरी में निकाल लिया, इसको हम ले जाएंगे। और हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया, ये लग गए हैं बड़े बड़े मिस्त्री, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था पहले ही। ये है चावल का आटा से गुड़ी करते हैं और ये है वो वाला चावल जिससे हम भात बनाते हैं। दो टाइप के चावल आते हैं, एक अरवा चावल आता है और एक ये पारबोल्ड राइस जिसे कहते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इसका आटा बनाने में, तो यही है इस पीठा की खासियत, इसको इसी चावल से बनाया जाता है। तो अब इसको गूंदा जा रहा है, एकदम पूरा गर्म पानी से इसको मिक्स किया गया है और यहाँ सब बैठ गए। माँ माँ हाँ कर दो, माँ 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 रुई रुई बोरी में बनाऊंगी। और बाबा भी हैं, बाबा हमारा पुराने वाले ब्लॉग देख रहे हैं और रुई बोल रही है मुझको बनाने की जरूरत नहीं, वो सारा खुद बनाएगी। रुई खुद से अकेले बन जाएगा सारा। हाँ तो रुई को बहुत मजा आ रहा है, कुछ नया हो रहा है घर में और ये सच में नया है। ये ऐसा पीठा है, ऐसी रेसिपी है, ऐसी डिश है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। जिनके घर नहीं बनता उनके घर कभी नहीं बनता, और जिनके घर बनता है उनके यहाँ बहुत नियम से बनता है। पूरे एकदम रिश्तेदार में, मोहल्ले में किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है अगर तभी बनता है। तो इस साल हमारे घर बन रहा है पूरे 5 साल बाद। मुझे याद है जब रूही होने वाली थी तब ये बना था, तो उस टाइम मैं उतना नहीं खा पा रही थी, तो अब इस बार देखते क्या होता है। और हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक बिछा लिया है सीट, जमीन में सब गिरने वाला था इसलिए सब जमीन गंदा हो जाएगा। तो अब ये इसको गूंदने का काम चल रहा है, उसके बाद फटाफट हम सेब बनाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। और रुई यहाँ दादू के साथ ब्लॉग देखने में लगी छाछी और मुझे काम मिल गया। तो ये चालू हो गया हमारा पीठा मेकिंग और आपको पीछे दिख रहा है बेड। तो रूम वही है, सामने इधर एक बेड था और ये फोल्डिंग बेड है, ये हमने लगा दिया है क्योंकि सबकी सोने के लिए जगह नहीं होती है। तो ये फोल्डिंग बेड है हमारा और ये माँ का बेड है, माँ यहाँ सोती है और माँ ने क्वालिटी बना भी लिया, तो बस इस टाइप से बनाना है। तो फटाफट हाथ लगा के बनाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा कैसा बनता है। तो रेडी है हम भी। छोटी चम्मच की जरूरत है तो ये चम्मच से हो नहीं रहा, मैं छोटा वाला चम्मच लेके आती हूँ। तो ये मेरा छोटा वाला चम्मच आ गया है कम्पेट, और ये हमारा बड़ा चम्मच, ये छोटा चम्मच समझ सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पीठे बन रहे हैं तो इसमें हो नहीं रहा उतना।
बना के तोड़ फल। रोल नहीं, इसको इस पर पैक करना है। ये हाँ दिए ना, भाटा पैक कर दीजिए, रुको साइड को पैक कर देंगे। ये रूही का और इतना सारा बन गया है हमारा, और वहाँ पे भी पूरा सामान लगा हुआ है। तो ये इसको फर्स्ट बेस्ट के हिसाब से हम बनने दे देते हैं। तो ये चले जा रहा है हमारा किचन, और उनको दूसरी थाली पहुंचा देते हैं ताकि उनका काम रुके नहीं। तो ये दूसरी थाली किचन से जाते हुए, तो ये हमारे कारीगर बना रहे हैं। चलिए तब तक उसका हम कर लेते हैं। और ये बड़े वाले बर्तन में हमने पानी गर्म होने रख दिया है। ये हमारे बड़े कारीगर को प्यास लग गई है, लेकिन इसके हाथ में दिखाओ, हाथ में क्या है तुम्हारे? लेकिन वो उसके हाथ भी गंदे हैं। स्टीम करना है, तो ये मेरा ऑल इन वन स्टीमर है, इसमें मेरा सब चीज बनता है। ये धुलता भी है, और इसमें मोमोज वगैरह बहुत अच्छे से बनते हैं। तो और ये बहुत अच्छे से बैठ भी जाता है। तो ये दादी पोती लगी हुई है, तो इनको बनाने देते हैं। और ये हमारा सेकंड बेच भी लगभग रेडी होने को आया है, तो तब तक जब तक वो पक रहा है नहीं जो और इसे उठाओ, इसको निकालेंगे अब। सबसे पहले क्योंकि ये बहुत नेम वाला है, तो सबसे पहले घर के जो सबसे बड़े हैं वो खाएंगे, तो बाबा को दे के आते हैं। तो बाबा बताएंगे हमें कैसा बना है। बाबा कैसा है? खूब भालो। ये बस अभी बन के निकला, ये टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद इसको प्रॉपर सब दूध के साथ और कोई गुड़ के साथ खाएगा, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको उसको किस तरह हम लोग खाते हैं। इसमें दूध डाल देंगे, ये हमारे फूली पीठे, इनको हम दूध में छोड़ देंगे धीरे धीरे, तो इससे बनेगा हमारा दूध पूली। गुलाब में तो पूली पीठे है ये, और हमारे लोकल में हम इसको बोलते हैं ऊंधी पीठे, ऊंधी पीठा बोलते हैं हम लोग इसको, या पूर पीठा भी बोलते हैं बहुत जगह पर। तो ये तो हमने इसको डाल दिया, इसको हम 10 मिनट होने देंगे। और ये वाला स्टेप पता नहीं ट्रेडिशनल पूरी पीठे में फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये है थोड़ा काजू का पाउडर पेस्ट, मैंने 5-6 काजू के पास थोड़ा सा पीस लिया है। और ये है कॉर्न फ्लावर, आप कस्टर्ड पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसको हम थोड़ा सा पानी देके घोल लेंगे।
और ये बाबा को दे चुके हैं, बाबा खा रहे हैं, उसके बाद हम भी खा। तो भी मैं अच्छा, वो वहाँ टीवी चल रहा है, टीवी में कुछ गाना बज रहा है, तो रूही डांस एंजॉय कर रही है। हमारा छोटा सा पुली पीठा वाला ब्लॉग, और वो भी बहुत खुश है, एंजॉय कर रही है, दादा दादी सब है, और सबका ये डिनर हो रहा है, हम भी करेंगे। आप तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। रुई, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब बाय कर दो, बाबा बाय कर दो, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।